अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फ़रीद आदमी खुशाला चैनल से। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे और अल्लाह आप सब के आपके वालदैन को सलामत रखे। आज हम लोग कितने परेशान हैं। पहले लोग सादे से होते थे, गांव गांव में रहते थे, कच्चे मकान होते थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बहुत खुश होते थे। दरख्तों की छाँव में बैठते थे, कोई पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, रात को लाइटें जलाते थे, सारे इकट्ठे होकर बैठते थे रोशनी में और प्यारी प्यारी बातें करते थे। और जो बड़े बूढ़े होते थे वो छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे जिससे बच्चा आराम सुकून से सो जाता था। और उन लोगों के, बड़े बुज़ुर्गों के मैदे भी बहुत अच्छे होते थे, इतना ज़्यादा देसी घी खा जाते थे और इसके बावजूद खेतों में काम करते थे और फिर भी उनको सारा उनको हज़म हो जाता था और उनकी कोई बीमारियाँ नहीं थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है और आज इतनी ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो गई हैं, बेशुमार हमारे पास नेमते हैं, बत्ती है, लाइट है, गैस है, और इसके बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पक्के मकानों में रहते हैं, पंखे भी चल रहे हैं, हमें बेशुमार जो है ना परेशानियाँ हैं। इसकी वजह क्या है? हमने गैस भी लगा रखी, उसके बिल आ रहे हैं, बत्ती के बिल आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी परेशान हैं। इसकी वजह क्या है? हम अल्लाह से बहुत दूर हो चुके हैं। जो पुराने जो बड़े लोग बुज़ुर्ग थे वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे सोते दफ़े, अब ये हो चुका घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और बच्चों को मारते पीटते हैं, उनको कोई कहानियाँ नहीं सुनेगा, सिर्फ मोबाइल के आरे लगे या टीवी के साथ चिमटे होते हैं। बस आज का ये ज़माना है और हम इतने मसरूफ़ हो चुके हैं, अल्लाह को भूल चुके हैं, उनसे इतने दूर हो चुके हैं, सारे दिन दौड़ में लगे हुए, पैसा पैसा पैसा, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान हैं। इन सब परेशानियों का एक ही हल है कि हम अल्लाह को याद करें जितना ज़्यादा हो सके। उसको याद करने से हमारी ये मुश्किलें हल हो सकती हैं, क्योंकि खुदा ने देखें अगर हम उनसे दूर हो चुके हैं, नमाज हम नहीं पढ़ते, कोई काम हम नहीं अच्छे तरीके से कर रहे, ना कुरान शरीफ की सुबह तलावत करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सर पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और हम जलील व ख्वार हो रहे हैं। नबी, हम उस नबी की उम्मत हैं जो अल्लाह ताला का बहुत महबूब था, लेकिन इसके बावजूद भी हम परेशान हैं। इसकी वजह हमारे खुद की परेशानियाँ हैं, जो हम नाच गाना करते हैं घर में, शादी वाले पे कोई महफल का इंतमाम होना चाहिए था लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, और सारे हमारी औरतों के खुद घर के ही नंगे होते हैं, तो हम किसी से क्या कहेंगे। पहले औरतें होती थीं कि सर पे दुपट्टा रख के आटा गूंथती थी, सुबह उठ के नमाज पढ़ती थी, अपने बच्चों को दवाई दे के स्कूल भेजती थी, खामतों को दवाई दे के काम पर भेजती थी। पहले लोग जो होते थे बहुत सादे होते थे, एक दूसरे का गुस्सा बर्दाश्त कर जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रा ज़रा सी बात से हम लोग ऐसे लड़ पड़ते हैं जैसे, अब मैं बात तो नहीं करना, जैसे कुत्ते आपस में लड़ पड़ते हैं। अल्लाह हम सब को मिलकर रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ सब लोगों की परेशानियाँ दूर करे और इनके घर में इत्तेफाक हो, और जितने भी मुश्किल हम सर पर पड़ी हुई हैं अल्लाह मियाँ सब की परेशानियाँ दूर करे। फिर भी मैं कहूँगा नमाज ज़रूर कायम करें ताकि अल्लाह में हमारी जो परेशानियाँ हैं वो हमसे दूर कर दे। अच्छा, मैं ज़्यादा चाहूँगा। मोहम्मद फरूख शहज़ाद, मिक्स मसाला चैनल, अस्सलाम वालेकुम।